नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से भारत को के कृषि विभाग पर क्या फर्क पड़ेगा, कृषि उत्पाद पर क्या फर्क पड़ सकता है, महंगाई में क्या फर्क पड़ सकता है और कौन से वो विशेष क्षेत्र होंगे जहाँ पर इसका सीधा डायरेक्ट असर पड़ सकता है। दोस्तों, रूस से भारत बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तुएं आयात करता है। रक्षा उत्पादों के अतिरिक्त भारत की कृषि भी रूस के द्वारा एक्सपोर्ट किए उत्पादों पर काफी हद तक निर्भर है। दोस्तों, भारत में फर्टिलाइजर यानी उर्वरक की कीमत बढ़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले के कारण अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने रूस को स्विफ्ट से बाहर निकालने एवं उस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इन प्रतिबंधों के जरिए भारत भी उन उपायों पर काम कर रहा है जिनसे इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस के बीच कारोबार यानी व्यापार चलता रहे। इसके लिए भारत को रुपये में भुगतान के तंत्र को विस्तार देने के पर भी काम करना चाहिए। रूस पर प्रतिबंधों की स्थिति में भारत डॉलर में रूस के साथ लेन देन नहीं कर पाएगा। सरकार को यह चिंता है कि रूस पर लगे प्रतिबंधों से वहां से होने वाली बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद की आपूर्ति के अंदर बाधा उत्पन्न हो सकती है और भारत में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर संकट पैदा होने की संभावना बन सकती है। रूस और यूक्रेन दोनों से ही भारत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। रूस से भारत पोटाश, अमोनिया, डीएपी और यूरिया का बड़ा आयात करता है। यूक्रेन से भी भारत पोटेशियम, यूरिया सहित कई उर्वरक का आयात करता है और इनकी सप्लाई बाधित होने से भारत में खाद यानी फर्टिलाइजर में बेताशा तेजी की उम्मीद बन सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है। भारत रूस से हर साल 4 लाख डीएपी का आयात करता है। दोनों देश इस समय व्यापार सालाना 10 लाख टन पहुंचने की उम्मीद है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खरीदने की तैयारी में भारत है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट होगा कि यदि रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार लड़ाई जारी रहती है, इससे फर्टिलाइजर्स के ऊपर काफी फर्क पड़ने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, ये एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपको हम सबसे पहले अपने चैनल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले लगभग कुछ समय से खाद्य फर्टिलाइजर्स के अंदर एक तरफा तेजी दर्ज हो रही है। प्रति टन $130 यानी 9,700 रुपए की तेजी यूरिया की दामों में दर्ज हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चलते ही यूरिया पर इसका असर लगातार दिखने रहा है और दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यूरिया की कीमत में प्रति टन $130 यानी 9,700 रुपए का उछाल दर्ज हो गया है। ऐसे में आने वाले समय में यूरिया के दाम बड़े दामों के लिए में किसानों के लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। गौरतलब है, किसान पिछले कुछ समय से लगातार फर्टिलाइजर के भावों में वृद्धि से परेशान होते देखे जा रहे हैं। इस साल भारत के एनुअल बजट के अंदर भी फर्टिलाइजर की सब्सिडी पर बहुत बड़ी कमी भी दर्ज की गई है। 10 लाख टन डीएपी एवं पोटाश, 8 लाख टन एनपीके के आयात की योजना भारत की है रूस से इस साल। $61 करोड़ का फर्टिलाइजर रूस से और यूक्रेन से लगभग $23.28 करोड़ का उर्वरक आयात हुआ था सन 2020-21 में। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है किसानों के लिए एवं कृषि व्यापार के लिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर आप हमसे जुड़ें ताकि हर सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार,
करेंसी बाजार, इन सभी पर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एक और महत्वपूर्ण सूचना, हर रोज 10:15 से 10:45 मंडे टू फ्राइडे आप तक लाइव प्रोग्राम के जरिए शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, एग्रो जींस और सोना चांदी, स्टील और मेटल के भाव एवं उसके लाइव विश्लेषण के लिए आप हमारा प्रोग्राम बाजारों के सितारे बिल्कुल देखना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।